hello everyone welcome to automation tech lab in today's video we are going to learn how to make fire alarm system using tinkercad so first go to the circuits create new circuits click on this and after this you can see search in the search bar for arduino as we are using arduino for this project drag it like this simply okay then we need a breadboard. Search breadboard. Drag it here. Now we need temperature sensors and gas sensors. Okay, now we need temperature sensors. We are using TMP36. Then gas sensor. Simply drag it here and put on your breadboard. Um, नाउ वी ऑल्सो नीड एल ई डी एंड पिज़ो बर्ज़र फॉर अवर आउटपुट सो हम लोग पिज़ो बर्जर और एल ई डी को ड्रैक um, करेंगे सिंपली हमारे स्क्रीन पर यहाँ एंड देन एल ई डी ओके सो नाव अब हम जो है समझते हैं सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर क्या है टेम्परेचर सेंसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे जो इन्वायमेंट में टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए तो जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है इसमें तीन पिन हैं एक है पावर पिन एक है ग्राउंड और एक है वोल्टेज तो इसका जो वोल्टेज होगा जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसे हम लोग कोई भी एनोलॉक पिन से कनेक्ट कर देंगे आर्डिनों की दैन जो नाव गैस सेंसर तो जो गैस सेंसर है वो जो गैसेस प्रेजेंट होगी एटमोसफेयर में उसे और स्मोक को दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है और जो स्मोक सेंसर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा जितनी भी कंसनट्रेशन में गैस या फिर स्मोक प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जब हम उसका रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो इनसाइड द आर्डिनो होता है ओके okay. नाउ अब हम लोग कनेक्शन कर देंगे सबसे पहले पावर के लिए हम लोग जो टेम्परेचर है उसको पावर पिन से कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की फाइव वोल्ट से सिंपली हम इसका कलर रेड कर देते हैं ताकि वो पावर की तरह दिखे रेड ओके देन ग्रीन हम यूज़ करेंगे ग्राउंड के लिए अब हम पावर को कनेक्ट कर देते हैं पावर के साथ टेम्परेचर के और अब टेम्परेचर सेंसर के ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और जो वी आउट है टेम्परेचर सेंसर का उसे हम कोई भी एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आठ की तो अभी हम लोग ए ज़ीरो से कनेक्ट करें ऑरेंज कलर दे देते हैं ओके okay, तो हमारा जो गैस सेंसर होता उसमें है उसमें टोटल सिक्स पिन होती हैं तो जिसमें से थ्री पिन पावर के लिए होती है तो हम तीनों पिनस को पावर दे देते हैं और रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं हमारे वायर्स को पावर के ओके okay. देन हमारे पास जो बाक़ी होता है एक इनपुट के लिए होता है तो हम जो इनपुट है गैस सेंसर का उसे किसी भी एनालॉग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हमारा जो पिन है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और जो ये सिक्स पिन है उस पर हम लोग पहले रजिस्टर लगाएंगे क्योंकि कोई भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही जाना चाहिए ज़्यादा लीड नहीं करना चाहिए करंट को इसलिए उसको लिमिट या फिर मेंटेन करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं और देन हम उसको ग्राउंड कर देते हैं ठीक है अब जो पिज़ो बज़र है उसके इनपुट के लिए जो हमें आउटपुट देगा उसे हम किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं आडिनो की और एक ग्राउंड से कलर चेंज कर सकते हैं हम ओके okay. सिमिलरली जो हमारी एल है ओके okay, तो अभी हम लोग कनेक्शंस कर चुके हैं पूरे तो जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है उसमें जो भी सेंस करेगा टेम्परेचर में चेंजेस वो हमें एलईडी के थ्रू देखने के लिए मिलेंगे हम लोग इस तरीके से उसकी कोडिंग करेंगे कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो हमारा डिजिटल एलईडी जो है हमें ग्लो करके दिखाए और अगर जो स्मोक या फिर गैस जो भी कंसनट्रेशन में एक लिमिट पर हम सेट कर देंगे अगर हो रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो पिज़ो बज़र है वो आउटपुट दे देगा और हमने जो पिज़ो बज़र है उसको डिजिटल पिन नंबर सेवन से कनेक्ट किया है और जो हमारी एल ई डी है उसे पिन नंबर थर्टीन से कनेक्ट किया है ओके okay, अब हम इसे थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं और कोड के लिए जाते हैं सबसे पहले ब्लॉक्स में और टेक्स्ट पे जाकर इसे कंटिन्यू कर दीजिए और जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट कोड है उसे हम लोग अभी के लिए हटा देंगे और हमारा जो न्यू कोड है उसे अपलोड कर देते हैं ओके तो इस तरीके से कुछ कोड होगा सबसे पहले जो फ्लो टैंप है हम लोग ने टेम्परेचर को मेज़र करना इसलिए लिया है वी आउट हमारा जो टेम्परेचर का आउटपुट होगा उसके लिए है और जो हमारा वी आउट वन है जो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा उसके लिए हम लोग ने उसे फ्लोट में लिया है एंड आफ्टर दिस हमारी एलईडी पिन नंबर थर्टीन से कनेक्ट है गैस सेंसर के लिए हमने उसे एक डिफाइन कर दिया है इनिशलाइज कर दिया है देन हमारे पास पिज़ो के लिए जो कि पिज़ो हमारे पिन नंबर सेवन से कनेक्टेड है अब हम लोग आते हैं वॉइड सेटअप सेक्शन के अंदर तो आप देख सकते हैं कि जो ए ज़ीरो है वो इनपुट है हमारे टेम्परेचर सेंसर के लिए ए वन जो है वो हमारा इनपुट है गैस सेंसर के लिए और जो हमारी एल ई डी है वो हमारा आउटपुट देगी और जो हमारा पिज़ो है वो भी आउटपुट देगा वो कनेक्टेड है पिन नंबर थर्टीन और पिन नंबर सेवन से और जो सीरियल डॉट बिगिन है हमने सीरियल मोनिटर को एक्टिव करने के लिए उसकी स्पीड देख के रखी है नाउ कम टू द वॉइड लूप तो जो हमारा वॉइड लूप है उसमें हमने जो वी आउट है उसको एनालॉग रीड ए वन इंस्ट्रक्शन देखे रखी है तो ये कमांड का मतलब है कि हमारा जो वी आउट है हमारा टेम्परेचर का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है एनालॉग पिन से वहाँ से वो टेम्परेचर रीड करेगा ए वन पर और जो वीआउट वन टेम्परेचर है यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूला लगाया है उससे हमारा टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट होगा सिमिलरली गैस सेंसर के लिए हमने किया हुआ है यहाँ पे कंडीशन दे दिए अगर इतना टेम्परेचर होगा इतनी स्मोक हो गया इतना गैस होगा उस हिसाब से और हमने सीरियल प्रिंट में ताकि हमारा जो टेम्परेचर है और जो गैस सेंसर है उसके आउटपुट अलग अलग दिखे हमने इस तरीके से उसे अरेंज किया है कि सबसे पहले इन डिग्रीज में हमें टेम्परेचर की वैल्यूज़ मिल जाए और इन गैस सेंसर में हमें जो है गैस सेंसर की वैल्यूज़ मिल जाए और हर वैल्यू के लिए हमने डिले दिया है वन थाउजेंड uh, का ओके okay. तो अभी हम न, जो भी प्रोजेक्ट हम ट्राई करें उसे चला के देखते हैं सो so, सबसे पहले सीरियल मोनीटर को ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो जो इनिशियल वैल्यू है टेम्परेचर और गैस की वो अभी दिखा रहा है और जैसे हम गैस सेंसर पर जाके गैस को देखेंगे तो देख सकते हैं आप गैस सेंसर की वैल्यू चेंज होती जा रही है और जो हमारा पिज़ो है वो भी एक्टिव हो चुका है और आउटपुट दे रहा है कि गैस की जो भी कंसनट्रेशन है वो बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही दूर ले गए पिज़्ज़ो ने भी काम करना रोक दिया है क्योंकि अभी जो गैस है वो दूर है या फिर उतने जो हमने कंडीशन दिए उतने में नहीं है आ, ओके अभी हम पास लाते हैं आप देख सकते हैं फिर से जो वैल्यूज़ है वो इनिशियल वैल्यू से चेंज होने लगी हैं एंड देन हम अगर टेम्परेचर सेंसर में देखते हैं तो हम जब उसका रेजिस्टेंस आगे पीछे करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ओके okay. और हमारी जो एल है वो भी ग्लो कर रही है या ऑफ़ हो रही है ये देखिए जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्लो होती जा रही है और जैसे इनिशियल पे आ रहा है वो ऑफ हो जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग